तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। अपना चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया था, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और फार्मूले में आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को डायमेंशन निकालते आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर पता होना चाहिए, डायमेंशन निकालते आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते आना चाहिए, यूरो निकालते आना चाहिए। यूरो में आपको रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी गिन रहे, लेंथ गिन रहे, तो लेंथ के अंदर इरोर क्या होगी, तो डेल्टा एल बोलते हैं उसको, डेल्टा एल का मतलब इरोर, उसमें इरोर। जैसे कि ओरिजिनल लेंथ है मान लो आपकी 5 मीटर, लेकिन किसी बंदे ने गिन लिया उसको 4.5 मीटर, इसमें इरोर है, इरोर कितने की 0.5। तो डेल्टा एल अगर आप लोगों को निकालना है, ये मेजर्ड वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मेजर्ड माइनस ओरिजिनल, ऐसा लिखो, या ओरिजिनल माइनस मेजर लिखो, एक बात है। तो क्या होगा, ओरिजिनल कितनी 5, मेजर कितनी 4.5, तो 0.5 ये आपकी एरर होगी। तो लेंथ है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें एरर क्या होगी, डेल्टा एल, ये बात याद रखना। अगर दो लेंथ का सम है L1 + L2, इस समय एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना। लेकिन अगर दो क्वांटिटी की वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम है, दो क्वांटिटी का रेशियो है, उस समय एरर की बात नहीं करते, उस समय रिलेटिव एरर की बात करते हैं। रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, तो एरर जैसे कि लेंथ की रिलेटिव एरर निकालना है, तो एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। तो जब भी अब इसमें रिलेटिव एरर की बात नहीं रहेगी, मतलब सम क्या माइनस रहेगा, उस समय रिलेटिव एरर की बात नहीं करते। जैसे कि y इक्वल टू a प्लस बी है, तो इसमें डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखेंगे, बस खत्म, क्या रिलेटिव एरर की बात नहीं होगी। लेकिन अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है या दो क्वांटिटी का डिवीजन है, जैसे कि वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन या दो क्वांटिटी का डिवीजन होगा, उस समय आप लोग रिलेटिव एरर को कंसिडर करोगे। तो रिलेटिव एरर में क्या होगा, डेल्टा y बाय y होगा, जैसा आप लोग, तो डेल्टा ए बाई ए होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये होगी कंसेप्ट। तो चाहे वो ये मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में, दोनों में लगेगा, दोनों में लगेगा। अगर पावर में, एपी क्वांटिटी पावर में है, तो पावर आगे आ जाएगा, और वाई डेल्टा वाई बाई वाई, इसका डेल्टा वाई बाई वाई क्या होगा, पावर आगे आएगा डेल्टा ए बाई, ये भी याद रखना है। तो इनके ऊपर हम अभी स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल, तो आपका पहला जो न्यूमेरिकल है इसके ऊपर बेस्ड ऑन है, ठीक है, मतलब ये वाले कंसेप्ट पे, मतलब रिलेटिव एरर नहीं निकलेगी, जस्ट एरर निकलेगी, ठीक है, जस्ट क्या निकलेगी, एरर निकलेगी। तो चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले एरर वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर अपन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसके बाद में देखेंगे पैरेलेक्स एंगल के ऊपर, फिर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि मासेस ऑफ टू बॉडीज, हमारे पास दो बॉडी थी, एक वही बॉडी है, एक वही बॉडी B1 और B2, दो बॉडी है अपने पास, ठीक है। तो उन दो बॉडी को मेजर्ड किए, तो मेजर किए, तो एक बॉडी का मेजरमेंट इतना आया, इतना आया, एक बॉडी का मास जो है, एक बॉडी का जो मास है, एक बॉडी का जो मास है, ये क्या चीज है, मास और इसकी एरर है, ये मास और उसकी क्या है, एरर है, प्लस माइनस डेल्टा M1, मतलब मास और उसकी एरर, ये आपके पास दी थी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg, क्योंकि एरर क्या होती है, प्लस माइनस में हो सकती है, ये समझ में है, ये समझ में है, मतलब ये ओरिजिनल मास एक बॉडी का और उसमें एरर प्लस माइनस में होती है, और दूसरे बॉडी का मास क्या दिया, M2, इसको नाम दिया दोगे M2 और प्लस माइनस उसकी एरर, नहीं क्या, कितनी दी है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg, कोई दिक्कत। तो व्हाट इज टोटल मास, टोटल मास निकालना है और उसमें एरर भी निकालना है, दो बॉडी का टोटल मास क्या होगा, नाउ हमको क्या निकालना है, मतलब टोटल मास निकालना है, क्या निकालना है, टोटल मास, तो टोटल मास क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा, सिंपल सी बात है, समझा क्या, ओके, समझ में आता है, क्या हो जाएगा बताओ, तो 15.7 प्लस 27.3 होगा, क्योंकि M1 15.7 होगा, M2 27.3 होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 कैरी 1, 7 5 12, 12 और 1 13 कैरी 1, तो कितना हो जाएगा 43, तो 43 पॉइंट क्या होगा, 0, मतलब 43 kg होगा, मास का में होता है, ओके डन, ओके डन। अब बताओ सेकंड चीज क्या निकालना है हमको, एरर निकालना है, एरर इन मास, एरर इन मास, तो क्या होगा, डेल्टा M1 प्लस क्या होगा, डेल्टा M2, ये समझा, और डेल्टा M1 की वैल्यू क्या है बताओ, प्लस माइनस 0.2 kg, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0.2 kg,
और ये क्या बताओ प्लस माइनस क्या 0.3 कितना होगा प्लस माइनस 0. कितना होगा 5 हो गया। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास ये आपके पास सम की बात होगी यहाँ पे डिवीजन हो गया बंडार आ गया अगर वेलोसिटी निकालना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर इसके अंदर एरर निकालनी होती तो वो रिलेटिव एरर की बात करते हैं। डेल्टा वी बाय वी इक्वल डेल्टा टी बाय डी और फिर डेल्टा टी बाय टी। अब ये कैसे निकालते क्या देख कैसे निकालते देखेंगे इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया हमको क्या निकालना था टोटल मास निकालना था और उसकी क्या निकालनी थी एरर निकालनी थी। बहुत ईजी है चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके तो यहाँ पे टू बॉडीज का मास है टू बॉडीज है टोटल मास ऑफ टू बॉडीज तो ये m2 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 m1 m1 बराबर है। ओके चलो लिख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ठीक है। ओके तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट अभी यहां पे डिस्टेंस की बात चल रही है बाबा डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम ये टाइम है ये टाइम और उसकी एरर सेकंड बोला सेकंड तो टाइम है तो आपके पास क्या दिया सॉल्यूशन में टाइम दिया और उसकी एरर दी है। देखो ये टाइम और प्लस माइनस डेल्टा टी दिया है ये टाइम और उसकी एरर तो 100 प्लस माइनस 1 सेकंड ओके ना। और ये क्या बोल रहा है डिस्टेंस क्या होती है डिस्टेंस है आपके पास मीटर तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस है अब प्लस माइनस उसकी एरर है 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर कोई दिक्कत तो हमको स्पीड निकालना और उसकी एरर निकालना। तो नाउ स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है स्पीड 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 ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ऑब्जेक्ट की स्पीड तो डिस्टेंस कितना दिया 100 100 दिया ना बाबा सॉरी गलत 5.2 डिस्टेंस दिया है 5.2 और टाइम कितना दिया 100 बराबर है 100 दिया। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका दो जीरो हटेंगे तो पॉइंट दो के बाद आ जाएगा मतलब ये कितना हो गया एक के बाद दो के बाद यहाँ आएगा मीटर पर सेकंड ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। फिर से रिपीट करो दो जीरो हटेंगे ये पॉइंट इधर कर देंगे इसका मतलब 5.2 अपॉन में 10 का पावर 2 5.2 इनटू 10 का पावर माइनस 2 और माइनस और आपके छोटा हो जाए 0.25 मतलब पॉइंट 2 के बाद सर जाएगा मतलब कितना ये दो जीरो हटेंगे तो पॉइंट 2 के बाद 1 के बाद 2 के बाद दूसरा ऑप्शन है 0 ओके ना समझ में आ गया 7.2 रहेगा 7.734444 रहेगा और डिवाइड का कितना रहेगा 100 इसका आंसर 0.7244 होगा पॉइंट 2 के बाद आएगा। अगर 7 अपॉन में 1000 है या 10000 है मान लो क्या 10,000 है कितना होगा कितने के बाद हटेगा चार के बाद 1 2 3 4 यहाँ आएगा पॉइंट का गेम कुछ नहीं जरूर रहता है ठीक है। ये आपकी स्पीड होगी अब अगर एरर इन स्पीड निकालना अभी एरर तो निकालना है तो अभी सेकंड चीज क्या निकालना एरर इन टाइम इन स्पीड में निकालना एरर इन स्पीड तो बता एरर तो यहाँ पे बार बार डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवीजन है वेलोसिटी डिवीजन है तो यहाँ पे एरर जो बोलेंगे ना वो रिलेटिव एरर होगी यहाँ पे डेल्टा वी बाई डी होगा ये सर हाँ डेल्टा वी बाई डी डेल्टा वी बाई डी है डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई डी हाँ ये फंडा आएगा क्योंकि इसके पहले वाले इसमें आया कि इसके पहले वाले में नहीं क्यों नहीं हुई क्योंकि वो सिंपल था लेकिन इस बार वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो उस समय जब उसकी एरर निकालेंगे तो डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा टी बाई डी डेल्टा डी आप लोगों के पास दिया डेल्टा डी कितना दिया 0.1 और डी कितना दिया है 5.2 बस कुछ नहीं करना ये अपॉन ही ओके पक्का समझ में आ गया। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ओके फिर ओके अब बताओ ओके वो भी प्लस माइनस में रहेगा ओके बताओ अभी क्या होगा बताओ ये भी प्लस माइनस में रहेगा जब फिर लिखेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे लास्ट में लिखना ठीक है। अब बताओ प्लस डेल्टा टी या लिख सकते हो डेल्टा टी यानी प्लस माइनस है ठीक है तो ये भी क्या होगा डेल्टा टी यानी क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा बताओ 1 अपॉन में कितना 100 तो प्लस माइनस लिखोगे डायरेक्ट बाद में प्लस माइनस लिखोगे लिखो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्लस माइनस में है और ये भी प्लस माइनस है ओके डन ओके डन दोनों का बेस कैसा है सेम नहीं है सेम है क्या तो मेरे ख्याल से ये रहे तो उसको मेरे ख्याल से इसको रहने तो लास्ट का जब आंसर लिखोगे उस समय प्लस माइनस में लिखना ठीक है। अब बताओ इसका पॉइंट एक के बाद मटेगा तो ऊपर वाले का भी पॉइंट एक के बाद मटेगा 1/42 और ये 1/ कितना होगा 100 होगा कोई दिक्कत तो 100 बन जाए कितना होगा 100 हो जाएगा और प्लस 52 बन जाए 52 और अपॉन 52 इनटू 100 ये तो आप लोगों को आता है तो 152 होगा और नीचे में 52 होगा दो जीरो हटेंगे पर ये दो जीरो हटेंगे तो ऊपर में पॉइंट कितने के बाद आएगा दो के बाद आएगा 1.52 अपॉन में 52 होगा। अब 52 से इसको डिवाइड कर सकते हो
तो 52 से इसको डिवाइड करोगे 1.5 तो भाग जाता है कि नहीं 0.0 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा 0, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, तो अब जाके वो 152 होगा। फिर से रिपीट करो, 0 है 52 1 से भाग देते इसलिए 0 लगा दिया, तो ये पॉइंट कहां सर गया, यहां पे सर गया, फिर से भाग नहीं जाना है, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, फिर से ये 2 आएगा, बराबर है। अब बताओ 5 + 10 होता है तो 2 जा काम करेगा, 2 + 4 2 × 5 = 10 104 होगा, 12 में 4 के कितने बचेंगे 8 14 कैरी 5 से किया 4 0 14। कई लोग क्या करते हैं यहां पे कम करते हैं, देखो 12 में 4 के तो 8 यहां पे कम करते 4 पकड़ते हैं उसको, मैं उसको नीचे देता हूं, ऊपर करोगे तो माइनस करोगे नीचे करोगे तो ऐड करोगे, 0 में 1 होगा 5 में से किया 4 14 हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट पे 480 होगा, अब 5 का टेबल 48 तक बोलो, 5 × 45 होता है ना 9 काम करे 9 2 4 18 9 2 18 बचेगा 1 9 × 5 = 46 तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये आपकी इरर होगी, तो इरर इन स्पीड जब भी लिखोगे तो प्लस माइनस में लिखोगे, इरर इन काइनेटिक स्पीड में इज क्या होगा प्लस माइनस 0.029 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड टाइम होती है मीटर पर सेकंड, ये भी टाइम होगी मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कितनी आई 0.05 किलोमीटर पर सेकंड, इरर कितनी आई प्लस माइनस 0.0292 मीटर पर सेकंड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको डिटरमाइन करना है वैल्यूम को, जिसको डिटरमाइन किसको करना है वैल्यूम, वैल्यूम निकालने का फॉर्मूला तो लेंथ का क्यूब आपको पता चल, लेकिन लेंथ दी क्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मास और डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, रो सिंबल था उसका, डेंसिटी डेंसिटी पता है, जैसे कि एक बॉल है जो खाली है और एक बॉल है जो सॉलिड है जिसमें भरा हुआ है सब कुछ मटेरियल, इसकी डेंसिटी कम होगी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी यानी इसके वैल्यूम में कितना मास है, इसके गिवन वैल्यूम में कितना मास है, एक्चुअल डेंसिटी। ओके क्या करेंगे उसको डेंसिटी, यहाँ पे आपको वैल्यूम निकालना है, वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यूम का मास अपॉन डेंसिटी होगा, अरे वैल्यूम निकालना है तो क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी नहीं होगा क्या, तो इसका क्या निकालना है रिलेटिव इरर परसेंटेज इरर निकालना है, तो परसेंटेज इरर निकालने के लिए रिलेटिव इरर निकालना पड़ेगा, और रिलेटिव इरर क्या होगा, तो रिलेटिव इरर क्या होगा डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा रो बाय रो होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 100 से, ये क्या हो जाएगी आपकी परसेंटेज इरर हो जाएगी, ऐसा आप लोग परसेंटेज इरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव इरर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है कि नहीं होता, रिलेटिव इरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूशन अपने पास क्या क्या दिया है, अपने पास क्या दिया है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमको वैल्यू डिटरमाइन करना है, उसका मास दिया है, तो ये मास और उसकी इरर, मास और उसकी इरर दी है, कितने दिए 5 ± 0.15 kg दिया है, दिया मास और उसकी इरर, और क्या दिया केजी पर मीटर क्यूब, देखो मास अपॉन वैल्यूम, मीटर क्यूब यानी वैल्यूम होता है, केजी यानी मास, मीटर क्यूब यानी वैल्यूम, वैल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है क्यूबिक मीटर, तो ये आपके पास वैल्यूम भी दिया है, वैल्यूम और उसकी इरर भी दी है, सॉरी डेंसिटी और उसकी इरर, डेंसिटी है ना बाबा मास और डेंसिटी, डेंसिटी है ये मास है केजी यानी मास, तो डेंसिटी और उसकी इरर कितनी दी है 5 ± 0.2 kg/m³ दिया है, तो हमको परसेंटेज इरर की वैल्यू निकालना है, परसेंटेज इरर, परसेंटेज इरर इनका में वैल्यू है, बोले तो डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100 ये मेरे को निकालना है, परसेंटेज इरर की वैल्यू ये मेरे को निकालना है, ठीक है परसेंटेज इरर की वैल्यू निकालना है। अब अगर आपको बताओ परसेंटेज इरर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कौन थी डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला चेक कर लो क्या है, नाउ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी, ठीक है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वैल्यूम, इससे वैल्यूम निकल जाएगा, जैसे वैल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, हाँ वैल्यूम के फॉर्मूले में डिवीजन की बात चलती है, इसका जो परसेंटेज इरर होगा परसेंटेज इरर क्या होगा, परसेंटेज इरर ऑफ वैल्यूम, परसेंटेज इरर इन वैल्यूम आप लोगों को निकालना है, बराबर है, क्या होगा तो परसेंटेज इरर इन वैल्यूम का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन डेल्टा वी बाय वी कैसे निकालोगे इस फार्मूला की मदद से निकालोगे, डेल्टा वी बाय वी कैसे निकालोगे, डेल्टा एम बाय एम
प्लस डेल्टा वी, डेल्टा रो बाय रो, नहीं समझा? मल्टीप्लाई करना यस सर। जब कोई क्वांटिटी मास अपॉन डेंसिटी होता है इसका डेल्टा वी बाय वी क्या होगा? डेल्टा एफ बाय एम प्लस डेल्टा रो बाय रो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यस सर। नो आगे ना बिल्कुल बता चुका हूं ठीक है। तो अब बस इसको कैलकुलेशन करना, कुछ भी नहीं है यार, परसेंटेज एरर इन वैल्यू निकालना है। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। क्योंकि डेल्टा वी बाय वी कैसे निकालोगे, उसका कोई फार्मूला क्या दिया है? कहां दिया है? मास अपॉन डेंसिटी। जब भी डिवीजन की बात आती है तो प्लस आता है। तो देयरफॉर क्या होगा, डेल्टा एम कितना दिया? डेल्टा एम कितना दिया? डेल्टा एम कितना दिया? डेल्टा एम कितना दिया? 0.15। 0.15 अपॉन में ओरिजिनल मास कितना दिया? 5 प्लस डेल्टा रो कितना दिया? 0.2। रो कितना दिया? 5 मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। दोनों का बेस केस है सेम, एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ना। और ऊपर का एडिशन, ये 0. कितना होगा? 0.35। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में दो डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद में टू डिजिट होना चाहिए। इसका मतलब 0.20 है वो। 0.2 का मतलब 0.20 होता है। तो 0 और 5 कितना होगा? 5। 2 और 1 कितना होगा? 3। तो 0.35 होगा। 0.35 और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 35 के ऊपर 2 जीरो आएंगे, 1 में 5। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 के ऊपर 2 जीरो आएंगे और पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद दोगे तो 5% कितना होगा? 35। 7.00 मतलब 7% होगी। ये परसेंटेज एरर मतलब वैल्यू को जब गिनेंगे उसमें एरर कितना परसेंट रहेगा, तो 7% की एरर रहेगी। ठीक है, 7% की एरर रहेगी, 7% की एरर रहेगी। परसेंटेज एरर में प्लस माइनस नहीं लिखते, ठीक है? हाँ, इधर सुनो, जब भी परसेंटेज एरर निकालना है, ये रिलेटिव एरर निकालना है, एरर निकालना है, तो आपको फार्मूला होना मालूम होना जरूरी है। जैसे कि स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वैल्यू बताया, बताया कि नहीं बताया? अब यहाँ बात चल रही है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के पीरियड की बात चल रही है, टाइम पीरियड। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड है क्या? जिसके पेंडुलम है, पेंडुलम बताया ना, अपने घड़ी में लगा लेता, अपने घर की घड़ी पे, यह है पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम क्या ऐसे 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 मोशन परफॉर्म करता है, और इस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। दुनिया में मोशन के टाइप देखो, एक लीनियर मोशन पड़े हो, एक सर्कुलर मोशन पड़े हो जो सर्कल में घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि अर्थ का घूमना, वो सर्कुलर मोशन हो गया। कोई चीज बनता, कोई बंदा सीधा सीधा स्ट्रेट भाग रहा है, लीनियर मोशन। लेकिन जो ऑब्जेक्ट सेम पाथ पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जो मोशन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ वापस आना, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। जाना और आना, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। और उस एक ऑसिलेशन को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। उसी को क्या बोलते हैं? पीरियड, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है? तो इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड है। और किसके ऊपर डिपेंड है? तो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। और मैंने आपको ये फार्मूला प्रूव करके बताया था कि पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, 2π रूट में एल बाय जी। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है कि इसको जाने के लिए जितनी देर, इसका मतलब वो लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी क्या होगी? अगर ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ग्रेविटी ज्यादा, जिसके अर्थ पे ग्रेविटी क्या ज्यादा है तो ऑसिलेशन परफॉर्म करने का टाइम कम लगेगा। जब भी अपॉन वाली चीज बढ़ती है ये कम होता है, मतलब ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या लगेगा? कम लगेगा जाने के लिए और आने के लिए। लेकिन चांद पे जाओगे, चांद पे ग्रेविटी कम होती है तो जाने के लिए आने का टाइम बहुत लगेगा, धीरे 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 जाएगा, धीरे 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 आएगा, मतलब टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि चांद पे ग्रेविटी कम, ये कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। तो आपको फार्मूला याद रखना है पीरियड ऑफ पेंडुलम का, क्या फार्मूला है? t = 2π√l/g फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और एक फार्मूला का प्रूफ मैंने आपको रिलेशनशिप में बताया था कि पीरियड, लेंथ और जी में क्या रिलेशन है, डायमेंशन की मदद से प्रूफ करके बताया था। यहाँ पर k आया था कॉन्स्टेंट लिखा, 2π वैसे भी कॉन्स्टेंट है, कैसे फॉर्मूला आया था। चलो देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या पड़ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटरमाइन करना है, जी को डिटरमाइन करना है, जी को डिटरमाइन करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन यूजिंग सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का यूज करके, सिंपल पेंडुलम का यूज करके। तो उसके लेंथ आपके पास दी है, क्या दी है बताओ? लेंथ, क्या दी बाबा? लेंथ, लेंथ बोले तो क्या दिया है? ये एल, और उसकी एरर लेंथ बोले तो क्या? एल प्लस माइनस डेल्टा एल दिया आपके पास, कितना दिया है? 100
प्लस मैंने 0.1 सेंटीमीटर दिया दिया है कि नहीं दिया है। और उसके बाद में बोल रहा है कि पीरियड, पीरियड भी दिया आपके पास, पीरियड पीरियड बोला तो क्या, पीरियड बोला तो क्या, टी प्लस माइनस क्या डेल्टा टी कितना दिया है, 2 प्लस माइनस 0.01 सेकंड दिया। तो आपको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज जीरो इन मेजरमेंट ऑफ जी, तो परसेंटेज जीरो इन जी आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन काइंड ऑफ जी में निकालना है। तो परसेंटेज एरर इन जी निकालने के लिए आप लोगों को जी का फार्मूला कौन सा, जी निकालने के लिए कौन सा पीरियड दिया है, तो नाउ पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला लगाओगे तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला आप लोगों को पता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या फार्मूला होगा, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का अभी मैंने आप लोगों को बताया, t इक्वल टू 2 पाई रूट में यहां लिख पाए, t इक्वल टू 2 पाई रूट में l बाय g, ये फार्मूला है। अब आपको g को निकालना है तो रूट को गैप करना पड़ेगा, और रूट को गैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का, क्यों कर रहा हूं, g को निकालना है आपको, g तो t का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई का भी स्क्वायर और l बाय g होगा। मेरे को g में इंटरेस्ट है तो g को इधर ला लूंगा, ये इन दोनों से डिवाइड में जाएंगे तो 4 पाई का स्क्वायर l बाय t का स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज जीरो, आप आराम से फार्मूला बन गया तो आराम से परसेंटेज जीरो और g निकाल सकते हो। तो नाउ क्या निकालना है आप लोगों को बताओ, क्या निकालना है आप लोगों को, बोलो क्या निकालना है आप लोगों को, परसेंटेज एरर इन काइंड में बाबा g, बोले तो डेल्टा g बाय g मल्टीप्लाई बाय 100, और ये डेल्टा g बाय g किससे निकलेगा, तो इससे निकलेगा, तो 4 पाई का स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 को हम गिनते नहीं, पाई को हम गिनते नहीं, गिनने के लिए इसको ये लो ठीक हो, तो क्या आएगा, डेल्टा l बाय l प्लस पावर आ गया, चाहे डिवाइड रहे या मल्टीप्लाई रहे, एक पावर क्या आएगा आगे, और डेल्टा t बाय t और ये 100 रहेगा। मैंने इनको इन्वॉल्व किया क्या, 4 पाई के स्क्वायर को नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमको गिनते नहीं, गिनते किसको, लेंथ को, टाइम को, डेल्टा l बाय l क्योंकि डिवाइड की बात चल रही है, डेल्टा l बाय l और स्क्वायर वाले में आपको बताया था अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है तो पावर आ गया था डेल्टा a बाय u होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, पक्का, तो डेल्टा l कितना दिया आपके पास, डेल्टा l कितना दिया आपके पास, डेल्टा 0.1 और वो कितना दिया 100, इनटू जैसा का वैसा, डेल्टा t कितना दिया है 0.01, 0.01 अपॉन में कितना 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, बचा कौन, या अपॉन में 100, इसके बताओ इसका अपॉन 82 बाद में डेगा दीजिए और 1 जीरो आ जाएगा 1000 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा बताओ 0.01 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 1 प्लस 1000 एक 1000 पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद होगा, और अपॉन में कितना होगा बोलो 1000 और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो जाएगा 10 और 1 कितना होगा, 10 और 1 कितना होगा 11 और अपॉन में कितना 10, तो 1.1% हो गया, 1.1% एरर होगी मेजरमेंट ऑफ जी, 1.1% एरर होगी किसमें, मेजरमेंट ऑफ जी। एक बार रिपीट करें तो बहुत आसान है बेटा, लेंथ दी है, ये लेंथ उसकी एरर दी है, ठीक है, और ये टाइम और उसकी एरर है, तो आपको निकालने के मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर इन जी निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ एरर इन जी निकालने के लिए अपने पास कौन सा पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया, तो यू शुड अप्लाई द फार्मूला ऑफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड यू नो द फार्मूला ऑफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, व्हाट, टी इक्वल टू बाय रूट में एल बाय जी, रूट ऑफ एल ऑफ एल बाय जी। तो नाउ आपको जी चाहिए, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, यू शुड नो द फार्मूला ऑफ जी इन टर्म ऑफ टी एंड एल, आपको जी का फार्मूला टी और एल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो पहले रूट को गायब करना पड़ेगा, तो फॉर रिमूविंग रूट वी टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर बोथ साइड आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, टी का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का भी स्क्वायर, रूट गायब होगा एल बाई जी, तो यू हैव टू फाइंड जी, आपको जी फाइंड करना है, तो जी को जगह पर रखेंगे इधर। अब नाउ परसेंटेज एरर इन जी मींस डेल्टा जी बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100, नाउ हाउ यू फाइंड डेल्टा जी बाय जी, फ्रॉम दिस फार्मूला वी फाइंड डेल्टा जी बाय जी, बट 4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, वी नॉट इन्वॉल्व, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो डेल्टा एल बाय एल प्लस और पावर आगे आएगा डेल्टा टी बाय टी, बस वैल्यू पुट करना है, डेल्टा एल 0.1, एल 100, ये 2 0.01, टी की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कट गया, इसका पॉइंट 1 के बाद में हटेगा, ऊपर वाले का पॉइंट 1 के बाद में हटेगा, नीचे भी 1 0 बढ़ जाएगा, अगर ये 0 हटेगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को सीखना है अच्छे से, और ये 0.01 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1000 बन जाए, 1000 पॉइंट 2 के बाद,
तो और ये दो चीजों से ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पूरे के डिवाइड में 1000 आएगा। ये दो चीजों से दो चीजों कट जाएंगे बचेंगे 10, पर 10 और 1 कितना होगा 11, और 11 पर 10 कितना होगा 1.1, ये जीरो हटेगा तो पॉइंट क्या आएगा एसआर नो, 1.1% जीरो परसेंटेज जीरो हो जाएगी। चलो लिखो इसको अच्छे से। हाँ तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को मेहनत करते आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, और 11 क्लास का बेसिक चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, और आपको मैक्सिमम फार्मूले जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फार्मूले याद होना चाहिए, डेली डेली फार्मूले की रिवीजन। सबसे पहले घर में जाके पूजा करते हो ना, तो पूजा करने के पहले पूजा करते ना जैसे वैसे फार्मूले के हर दिन दर्शन करना चाहिए, हम जैसे भगवान के दर्शन करते हैं हर दिन, उसी तरह हर दिन फार्मूले के दर्शन करना, जितने भी होंगे फिजिक्स के होंगे फिजिक्स के, मैथ के होंगे मैथ के, और जितना पढ़ा हो अभी तक के जैसे कि मैंने ये न्यूमेरिकल तक पढ़ा है, तो आपको फिजिक्स की जब पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, जब तक ये टॉपिक नहीं आ जाता तब तक उठने का नहीं, जब तक वो वहां तक नहीं आते पढ़ते रहना, समझे मत समझे बस पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, थोड़ा बहुत तो समझेगा माइंड के ऊपर से जाएंगे। और एक बात आती है, जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज अपन आगे देखने वाले हैं, जब अपने क्लासेस देखेंगे नीट की जेई की, तो उस समय एमसीक्यूज देखेंगे, तो आप लोग आपका अपने माइंड जो होता है, एक बार अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज को देख लियो, आपने पढ़ लियो एक बार, जो भी एमसीक्यूज आपने 100 एमसीक्यूज देखे 200 एमसीक्यूज देखे, अगर उस एमसीक्यूज अगर वो एमसीक्यूज अगर आपको नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में आती है, अगर आपने वो पढ़े हो तो आपको आपको पता है कि उसका आंसर क्या आएगा करके, आपके माइंड जरूर क्लिक करेगा कि आपका मन करेगा कि ये आंसर होगा करके। लेकिन जिस एमसीक्यूज को आपने कभी पढ़े नहीं हो कभी देखे नहीं हो, तो उसके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका माइंड क्लिक नहीं कर पाएगा। तो पढ़ते रहना देखते रहने का, और जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल होगा वो स्टडी मटेरियल आप लोग कलेक्ट करो, नीट का जी का जो भी स्टडी मटेरियल है, आप नीट में जाना चाहते हो नीट का, तो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना, ठीक है, किताबें लेने का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे कौन सी किताबें लेने करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करना है आप लोगों को, कि क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फार्मूला दिया है, तो एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक एक्स एक्स एक क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, वो लेंथ है कि मास है कि क्या है वो नहीं पता, बस वो एक फिजिकल क्वांटिटी दिया और उसका फार्मूला दिया ए की पावर 4 बी का क्यूब सी की पावर 1/3 डी की पावर 1/2, और आपको परसेंटेज इरर निकालना है इनका में एक्स में, तो परसेंटेज इरर में इन एक्स में निकालने के लिए, इसका मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स कैसे निकालो, तो इससे निकलेगा, इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ तो बता ये पावर है, पावर आगे डेल्टा ए बाय ए प्लस पावर आगे डेल्टा बी बाय बी, नहीं समझा, प्लस पावर आगे डेल्टा सी बाय सी प्लस पावर आगे डेल्टा डी बाय डी, नहीं समझा, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, नहीं समझना है, ये समझ में आया कि डेल्टा एक्स बाई एक्स कैसे इस फार्मूले को देखते हुए, पावर आगे डेल्टा ए बाई ए प्लस पावर आगे डेल्टा बी बाई बी पावर आगे डेल्टा सी बाई सी पावर आगे डेल्टा डी बाई डी, ये बता दो चुको पावर हमेशा क्या होता है आगे आगे। अब क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 4 डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाई बाई क्या 100 होगा, और प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी मल्टीप्लाई बाय 100, तो बताइए परसेंटेज जीरो और इन डी है, ये परसेंटेज जीरो और इन सी है, ये परसेंटेज जीरो और इन डी है, और परसेंटेज जीरो और इन ए है, तो आपके पास दिया है परसेंटेज जीरो और इन ए ये दिया है, परसेंटेज जीरो और इन बी ये दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, ये क्या चीज है बताओ, ये 4 परसेंटेज जीरो और इन ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 2% दी, अरे दिए ना पापा 2% दिए, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2% प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इसकी वैल्यू कितनी दी है 3%, नहीं समझ में आ रहा है, ओके प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी कितना दिया है 3% दिया 3%, और डेल्टा डी बाई डी 1/2 कितना दिया है 4%, बस खत्म काम, इसका कैलकुलेशन कर लो 4 2 8% 3 3 9% 3 3 का आंसर 1% बचेगा प्लस, ओके डन, और वो कितना बचेगा 2% बचेगा, तो 2% बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 8 9 17 17 18 18 2 20, तो पूरा आंसर होगा 20%, तो 20% इरर रहेगी मेजरमेंट ऑफ एक्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक फार्मूला लिखना है परसेंटेज इरर इन एक्स निकालना है डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा, तो इस फार्मूला को देखते हुए लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं एक होमवर्क दूंगा वो आप लोगों को ट्राई करके, मतलब ट्राई करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हाँ तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों को आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ सिलेंडर दिए, आपके पास लेंथ दी है
रेडियस दिए है और मास दिया है, क्या दिया है मास। सिलेंडर की लेंथ दिए, लेंथ दी ना सिलेंडर की लेंथ, लेंथ यानी इसकी हाइट होगी ठीक है। तो इसकी डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बराबर है, यस सर नो। तो मास तो दिया लेकिन वॉल्यूम दिया क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को बताओ पाई आर का स्क्वायर, ये पोजीशन जो था एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक के, वॉल्यूम के जगह पाई आर का स्क्वायर पूरी हाइट, हाइट यानी क्या रहेगा एल रहेगा, अरे हाइट यानी किसके बराबर रहेगी एल के बराबर नहीं रहेगा, 10 फीट के आसपास नहीं बढ़ेगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक के, ये अंदर की खाली जगह क्या होती है पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक के, हाइट का काम कौन करेगा एल करेगा। अब डेल्टा रो बाय रो क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम, पाई को तो लेना नहीं है कॉन्स्टेंट है, और इसका क्या होगा डेल्टा रो बाय रो क्या होगा, क्या होगा बताओ, डेल्टा एम बाय एम प्लस टू डेल्टा आर बाय आर एल, डेल्टा एम बाय एल मल्टीप्लाई बाय क्या 100, अगर आपको परसेंटेज जीरो निकालना है समझ में आया, समझ में आया गया। तो फार्मूले देख के आपको बस ये वैल्यू प्रूव करना, डेल्टा एम कौन है ये है काम के मास का है, मास का ये है ये एम, फिर डेल्टा आर कौन है रेडियस का है ये डेल्टा आर है और अपन में ये, और डेल्टा एल अपन में ये, तो आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।